अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शवारमा, ग्रिल्ड शवारमा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पहले ये मैंने ना चिकन लिया, एक किलो चिकन है ये, तो इसके हम पीस करते हैं और मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले इसको काट लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बरकत। ऐसे इसको आपने काटना है, हाथ अपना बचा के बड़ी एहतियात के साथ काटना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ख्याल रखना है कि आपका हाथ ना काट लग जाए। जब हम इन पीसों को मसाला लगाएंगे, ये देखें मैंने काट लिए हैं ये सारे पीस, ऐसे के पीस आपने काटने हैं। आप जब खरीदें तो दुकानदार से भी कहें, वो भी आपको ऐसे ही काट देगा। तो इसमें जाएगा 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच, एक टीस्पून भर के ये रेड मिर्च जाएगी, पूरा सूखा धनिया कूटा हुआ, इसमें चाट मसाला, हाफ टी स्पून जाएगी ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक या हस्बे ज़रूरत जितना भी आप खाते हो। अब हम इन पीसों को लगाएंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह ये मैंने मसाले लगा लिए हैं, तो अब इनको हम फ्राई पैन में बनाते हैं। ये पैन देख लें आप, ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, ताकि ये अंदर से फूल पक जाए, कच्चा ना रहे। और देखिएगा आप ये अंदर से कैसे जूसी और मजे का होगा। ये देखे भी माशाल्लाह से ये कितना प्यारा ग्रीन हो गया, चिकन बन गया अंदर तक से ये पक गया। ये देखो माशाल्लाह कितना। अब हम इसको उतारेंगे, इसको काटेंगे और स्वामी लगाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये मैंने निकाल लिए, तो अब हम इनको काट लेते हैं। ये देखें कितना अच्छे से गला हुआ है, ये देखें। देखे कितना अच्छे से गल गया। ये देखे जी, ये मैं ब्रेड सेक रही हूँ, शवारमे की रोटी, और अब आपको बताते हैं। ये लगाएंगे हम चिली सॉस वाली सॉस, और ये थोड़ी सी व्हाइट सॉस इस पे रखेंगे बंद गोभी, और ये मैंने खीरा सिरके में डुबो के रखा हुआ था, और ये प्याज के स्लाइस भी सिरके वाले हैं।
अब ये इसके ऊपर ग्रीन और ये व्हाइट सॉस। देखे जी माशाल्लाह से ये हमने इसको तैयार कर दिया। अब आप खाएं, आपका दिल करे तो आप केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर ये सॉस लगा के भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा बना है, आप खाएं, बनाएंगे और खाएंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें। चले जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।